हमारी आज की कहानी है दादी का भार सबसे ज़्यादा। मेरी लिखी कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एक का वज़न ज़्यादा है या पाँच का वज़न? गणित टीचर ने बच्चों से सवाल किया। एक स्वर में सभी बच्चे बोले, पाँच का वज़न सर। शाबाश बच्चों, तभी एक आवाज़ आई, नहीं सर, एक का वज़न पाँच से ज़्यादा होता है। छोटी सी सहमी हुई पिंकी धीमी आवाज़ में बोली। सभी क्लास वाले हंसने लगे और पिंकी गंभीर चेहरा लेकर सबको देखती रही। बेटा, मैंने कल भी सिखाया था कि एक का वज़न सबसे कम होता है। चलो तुम बताओ, तुम्हारे हाथ में अगर एक किताब है और दूसरे हाथ में पाँच किताब है, तो तुम्हें ज़्यादा वज़न किस हाथ में लगेगा? सर ने पूछा। सर, ज़्यादा वज़न तो पांच किताबों वाले हाथ में ही लगेगा, लेकिन फिर भी असल ज़िंदगी में एक का वज़न पांच से ज़्यादा होता है। पिंकी अपनी बात पर अडिग थी। अब सर ने परेशान होकर पिंकी को आगे बुलाया और पूछा कि पिंकी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक का वज़न पाँच से ज़्यादा होता है? कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? मेरी दादी ही मेरा उदाहरण है। मैं कुछ समझा नहीं। सर, मेरी दादी के पांच बेटे हैं, सभी अलग अलग शहर में रहते हैं। दादी ने सभी को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और हमें भी बहुत प्यार दिया। मुझे तो मेरी दादी के बिना अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए जब भी दादी बड़े पापा के यहाँ जाती हैं, तब मैं पापा से पूछती हूँ कि दादी क्यों गई, तो वो यही कहते हैं कि लंबे समय दादी के रहने से मम्मी पर भार पड़ता है। दादी अपने पांचों बेटों के यहाँ दो दो महीने रुकती है और बाकी दो महीने हरिद्वार के किसी आश्रम में। पांच बेटे मिलकर भी एक माँ का वज़न नहीं उठा पा रहे, उन्हें संभाल नहीं पा रहे। ऐसी उम्र में भी उन्हें इस तरह भटकना पड़ रहा है। इसलिए सर, अब आप ही बताओ कि पाँच का वज़न ज़्यादा होगा या एक का? पूरी क्लास सुन्न हो गई और टीचर की आंखों में आंसू आ गए। इतनी सी बच्चे के मुंह से इतनी गंभीर बात सुनकर वो हैरान रह गए। पिंकी का भी गला भर गया था और आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने कहा कि वो तो अच्छा हुआ सर, मेरे दादाजी पहले ही शांत हो गए, वरना इन लोगों पर दो जनों का भार तो बहुत ज़्यादा हो जाता। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इतना बोलकर सर क्लास से बाहर चले गए और पिंकी चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गई।